बारिश के बाद सुपर ओवर में जीता भारत, पाकिस्तान को हराकर रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, बारिश के बाद हुए 20-20 ओवर के रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। साथ ही साथ पिछले एशिया कप में मिली हार का बदला भी पाकिस्तान से ले लिया है। दोस्तों आपको बताएंगे इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट वीडियो, कैसे बुमराह और कुलदीप यादव ने हारा हुआ मैच में जिता दिया। तो अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले श्रीलंका के पल्लिकल में खेला गया। सांस रोक देने वाले इस महामुकाबले में कप्तान रोहित ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों रोहित का ये फैसला उस वक्त गलत साबित हो गया जब भारतीय टीम ने सिर्फ 66 रन के स्कोर पर अपने 4 बड़े विकेट गंवा डाले। जी हाँ, पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की तरफ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत करी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज पाकिस्तान के घातक गेंदबाजी के आगे पानी मांगते नजर आए। 5वें ओवर में ही भारतीय टीम को पहला झटका लग गया जब साइन अफरीदी ने घातक गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया। दोस्तों इस अहम मुकाबले में रोहित 22 गेंदों में सिर्फ 11 रन ही बना पाए। वही इस बड़े झटके से टीम इंडिया उबर पाती कि साइन अफरीदी ने किंग कोहली को भी 7वें ओवर में बोल्ड करके टीम इंडिया को बड़ा झटका दिया। दोस्तों 27 रन के स्कोर पर भारतीय टीम अपने दोनों खतरनाक बल्लेबाजों का विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। ऐसे में श्रेयस अय्यर और गिल से उम्मीद थी कि वे पारी को संभालेंगे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज भी पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए। जी हां, काफी समय बाद वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही संघर्ष कर रहे गिल भी 32 गेंदों में 10 रन बनाकर टीम का साथ छोड़कर चले आए। दोस्तों अय्यर और गिल दोनों को हारिस राउफ ने आउट किया और इस तरह टीम इंडिया ने 66 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवाकर पाकिस्तान के सामने घुटने टेक चुकी थी। दोस्तों अब यहां से भारतीय टीम पूरी तरह से हार के कगार पर पहुंच चुकी थी। पाकिस्तानी गेंदबाज कहर बरपाती गेंदबाजी कर रहे थे जिसका सामना भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम के लिए मसीहा बनकर आए हार्दिक और ईशान किशन। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ हावी हो चुके पाकिस्तानी गेंदबाजों को धोया बल्कि भारत की लड़खड़ाती पारी को भी संभाला। या दोस्तों इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जब पाकिस्तानी टीम भारत पर हावी होते जा रही थी तब हार्दिक और ईशान ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पाकिस्तानी गेंदबाजों की लाइन लेंथ ही बिगाड़ दी। दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए तेजी से रन बनाए और 138 रनों की तूफानी साझेदारी करके भारत की इस मैच में वापसी करा दी। दोस्तों इनके शतकीय साझेदारी की वजह से भारतीय टीम 66 रन के स्कोर से 200 के पार पहुंचने में कामयाब हो गई। इस दौरान जहां ईशान ने 81 गेंदों में 82 रन बनाए तो वहीं हार्दिक ने भी कहर बरपाते हुए 90 गेंदों में 87 रन कूटे। तो वहीं इनके आउट होने के बाद सभी को शार्दुल ठाकुर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन कमाल किया जसप्रीत बुमराह ने। जी हां, अंत में बुमराह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों में 3 चौका जमाते हुए 16 रन बनाए जिसकी वजह से टीम इंडिया 266 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई।